case study. What is this case study? You'll be given in exam a question which is a case study question. Basically, that question will be a practical problem. You'll be given a practical situation of an industry, of a manufacturing entity. They'll tell you ki the industry is facing such and such problems, right? And you'll have to think on your own ki which costing technique can be applied best so that we can just get out this company from such problem. आपको क्या किया जाएगा, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि कंपनी को यह प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब आपने बहुत सारी कॉस्टिंग की टेक्निक पढ़ रखी है, ठीक है, आपने टीक्यूएम पढ़ा हुआ है, टीपीएम पढ़ा है, काइजन कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ी हुई है, बैलेंस स्कोर कार्ड किया है, ठीक है। आप सोचेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन की सिचुएशन को और आप प्लान करेंगे कि कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक लगा दी जाए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। बस आपको यही करना है केस स्टडी में, केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कम जो राइटिंग स्किल है ये भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप चीजों को समझा पाएंगे, ठीक है, कि ये कॉस्टिंग टेक्निक लगाई जाए और इससे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे। एक बात आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से आप इनके आंसर्स को लिखेंगे। केस स्टडी मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दिया आपको और अब आपको उस सिचुएशन को डिस्कस करना है, बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। करेंगे कैसे इसे, हम आपको लिखवा रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। नंबर वन, जब आप उसका आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा कि आप समराइज करेंगे, सबसे पहला पैराग्राफ जो आप लिखेंगे वो समराइज करेंगे इंटायर इश्यू। इश्यू का मतलब क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को आप समराइज करेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम को फिर से आप अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे समराइज्ड मैनर में कि रियल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। दूसरा, अब आपको यह लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहिए, तो आप काइजन कॉस्टिंग को पहले डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो डिस्क्राइब क्या करेंगे हम लोग, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पे तो हमें क्या लगाना चाहिए, टीपीएम लगाना चाहिए, ठीक है, यहां पे हमें टीपीएम लगाना चाहिए, जो आपको लगता है कि यहां पर कॉस्टिंग टेक्निक लगाई जानी चाहिए उस कॉस्टिंग टेक्निक को डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब कॉस्टिंग टेक्निक टू बी यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगाना चाहिए कि काइजन कॉस्टिंग लगाना चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग लगाना चाहिए, बैलेंस स्कोर कार्ड लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ठीक है, टीक्यूएम लगाना चाहिए, टीपीएम लगाना चाहिए, ये प्लान कीजिए, प्लानिंग कीजिए और साथ में उस पूरी टेक्निक को डिस्क्राइब कीजिए। तीसरा काम, अब रिलेट कीजिए प्रॉब्लम को और कॉस्टिंग टेक्निक को कि इस कॉस्टिंग टेक्निक से हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तीन फेजेस में आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहला फेज, क्वेश्चन को ही फिर से डिस्क्राइब कीजिए, इश्यू क्या है, मैटर क्या है, उसे प्रेजेंट कीजिए। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक को लगाया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उस कॉस्टिंग टेक्निक को पहले तो डिस्क्राइब कर दीजिए, नॉट विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन। पॉइंट नंबर टू में हमने कहा कॉस्टिंग टेक्निक को डिस्क्राइब कीजिए, नॉट विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को रेफर मत कीजिए। तीसरे में आप क्वेश्चन को रेफर करते हुए बताइए कि यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉस्टिंग टेक्निक। तीसरा काम होगा हाउ दैट टेक्निक विल हेल्प इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है, गिवन सिचुएशन में क्वेश्चन में किस तरीके से हम टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी, ठीक है।